दोस्तों इन दिनों सीरियल अनुपमा में अनुपमा और वनराज के बीच तकरार बनकर सीरियल को मजेदार बनाते हुए नजर आ रही अभिनेत्री मदालसा शर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जहां सीरियल में इन्हें काव्य के किरदार में खूब पसंद किया जा रहा है, इसे तो सीरियल को हिट बनाने के साथ साथ आज ये खुद भी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों यूं तो आप अभिनेत्री मदालसा शर्मा के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले आप इस अभिनेत्री के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीरियल अनुपमा में काव्या का नेगेटिव रोल निभाते हुए दर्शकों से खूब तारीफें लूट रही अभिनेत्री मदालसा शर्मा को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में तो ये एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिनके इन परिवार में चार सदस्य हैं, जिनमें इनके माता पिता हस्बैंड शामिल है। सबसे पहले बात करें इनके घर के मुख्य सदस्य यानी कि इनके पिता के बारे में, तो इनके पिता का नाम सुभाष शर्मा है, जो पेशे से एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर है, जिन्होंने अब तक तेरे प्यार में और मुझे कसम है जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों को डायरेक्ट किया है। वही बात करें इनकी मम्मी के बारे में, तो उनका नाम शीला डेविड शर्मा है, जो पेशे से इन्हीं की तरह एक मशहूर अभिनेत्री हैं, जिन्होंने नदियों के पार और हम साथ साथ हैं जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में शानदार अभिनय प्रदर्शन किया। माता पिता के बाद अब बात करें इनके पति के बारे में, तो उनका नाम महाक्षय चक्रवर्ती है, जो एक समय पर इनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, जिनसे इन्होंने साल 2018 में शादी की थी। आपको बता दें कि इनके पति भी प्रोफेशन से एक मशहूर फिल्म एक्टर हैं, जिन्होंने तमिल और बॉलीवुड की ढेर सारी फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें हॉन्टेड, 3D, एनिमी जैसी कई धमाकेदार फिल्में शामिल है। अब जब ये शादी रचा चुकी है तो जाहिर सी बात है इनकी फैमिली में इनके ससुराल वाली फैमिली भी इंक्लूड होती है, जिनमें सास ससुर, दो दोईवर और एक ननद है। आपको बता दें कि इनके सास ससुर कोई और नहीं बल्कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और योगिता पाली है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं। वह इनके देवर यानी कि महाशय चक्रवर्ती, दोनों भाई नामशी चक्रवर्ती और ओमशी चक्रवर्ती ने भी फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाया है, जिनमें ओमशी चक्रवर्ती को फिल्म राइटर के तौर पर जाना जाता है। वही नामशी चक्रवर्ती जल्द ही अपने बैड बॉय फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। वही बात करें इनके ननद के बारे में, जिसका नाम दिशानी चक्रवर्ती है, जो महाशी चक्रवर्ती की सगी बहन नहीं है बल्कि मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें गोद लिया था, जो इन दिनों अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए खूब चर्चा में है। ये तो रही मदालसा शर्मा की रियल लाइफ फैमिली की बात। अब बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो आपको बता दें कि इन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए अक्सर अपना फ्री टाइम ट्रैवलिंग में ही व्यतीत करती हैं, जिनमें आउटडोर पर जाना बेहद पसंद करती हैं। वहीं खाने में इन्हें एक्स्ट्रा चीज पिज्जा बेहद पसंद है। बात करें फेवरेट बॉलीवुड एक्टर की, तो इनका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणदीप हुड्डा है। जी हाँ, सही सुना आपने, आपकी फेवरेट अभिनेत्री मदालसा शर्मा बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा को बेहद पसंद करती है और उनकी जमकर तारीफ भी करती है और उनके साथ काम करने की इच्छा भी जाहिर कर चुकी है। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप मदालसा शर्मा की इस रियल लाइफ फैमिली और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।